very, very nice and yet different MX serial called Rohaniya. We have with us the cast, some of the cast of the show. We have, I'll start with the veteran actress, Smita Vatsal, who plays Priya, Kanika's mom. We have Kanika Mann. She's also not new to OTT, but it is Smita's debut on OTT. So Kanika is not. She's been on OTT. You've been on OTT. It's your debut. It's with you. So we just seen that you were on a mood serial. No. So it's not her debut. But so our facts were right. Actually, I started recording on this before, so I don't. This will be my debut. But So between the three of them, only Smita is a debut. Because he's also seasoned, Arjun is also a seasoned actor, and we welcomed him to our MX family. I request you all to say just a few lines about your characters each, and then we'll have the group interaction. Ashirvad. Yeah, I was saying this because my Ashirvad is there. So Rohaniyat बहुत ही प्यारा सा एक शो है. हमने हमेशा किसी ना किसी पॉइंट में लाइफ में ये वंडर किया है कि क्या लव इज फॉर एवर. एक एज ऐसी आती है जब हम मानते हैं लव इज फॉर एवर, फिर एक एज ऐसी आती है जब हम 100% जब मेच्योरिटी हो जाती है, लाइफ तेज लेते हैं, लाइफ को समझने लगते हैं, तो लगता है नहीं नहीं, इट्स नॉट फॉर एवर. सो आई थिंक दैट इज़ वॉट वी आर एक्सप्लोरिंग थ्रू दिस शो, कि क्या लव इज फॉर एवर और इज इट नॉट फॉर एवर. थ्रू प्रशांत सवीर ब्यूटिफुली ये स्टोरी को वीव किया गया है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स, Prisha and Savi. Prisha, who believes love is forever because she is still in her teenage, she's still learning, she's still getting to know life. While Arjun's character, Savi, who's already matured, who's seen relationships, who knows and believes love is not forever. So, as far as my character goes, I am Priya. Priya is Prisha's mother. Prisha ki guiding force, you can say. Through Priya, Prisha understands that love is not only about passion, and it's a lot to do with emotion and a lot of ups and downs which you see in a relationship. So it's a wholesome experience, and not just that shuru ka romance is just not love. So that's what Priya is for her, her guiding force is what I can say. सर रूहानियत के बारे में बोलेंगे कि हमारी सीरीज एक्चुअली सबकी कहानी है, क्योंकि हम प्यार की कहानी दिखा रहे हैं. तो मुझे लगता है हर एज में प्यार होता है अलग तरह का. जैसे मैम ने बताई कि एक टाइम पर हमें लगता है कि इट्स गोना बी फॉरएवर, कभी कभी हम प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी है अभी नहीं है. लेकिन हाँ, तो स्टार्ट होती है प्रिशा की जर्नी से. नहीं, स्टार्ट तो सर की जर्नी से होता है कि दिल टूट गया है. तीन चार रिलेशनशिप तो देखे होंगे आपने. हाँ, उसके बोलने के लिए छोड़ दो. 300-400 देखने के बाद फाइनली किसी से प्यार हुआ होगा, अगर नहीं रही तो बहुत सारा दिल टूटा हुआ था. और प्रिशा जो कि अभी 19 साल की है, तो स्कूल में मुझे लगता है सबको ही प्यार होता है ना. लगता है कि जब हम बच्चों के नाम, मुझे लगता है स्कूल वाले प्यार में ही रखते हैं. तो प्रिशा उस एज में चल रही है, मानती है कि ये ही होने वाले हैं मेरे हम सफर, एंड पूरे प्यार में होती है. देखती है कि अपनी ही किसी रिश्तेदार के साथ आपको पता चल गया वो धोखा दे रहे होते हैं, तो बहुत दिल टूटा होता है. एंड तब मिलती है सबीर से. तो कैसे क्या जर्नी होती है एक टीन एज गर्ल, एक 40-year-old मैन के साथ उनका कैसे रोमांस, एंड हाउ शी फॉल्स फॉर 35 सॉरी. अरे आप वो थोड़ी आप प्ले कर रहे हो, आप प्ले कर रहे हो. ये तो और भी अच्छी बात है. तो कैसे वो प्यार में पढ़ते हैं और उनकी पूरी जर्नी दिखाई है. लेकिन इन दोनों के साथ साथ सबकी अमेजिंग जर्नी, जैसे प्रिया जी की भी बहुत प्यारी सी जर्नी है पापा के साथ मेरे, सबकी एक एक जर्नी चलती है. जैसे हम प्यार को डिस्क्राइब करें, सो यू ऑल कैन रिलेट टू दैट. सो ये सबसे प्यारी बात है, मुझे लगता है कि हर कोई रिलेट कर पाएगा. एंड या यू गोना फॉर फॉर प्रशा आल्सो. सो एंड 23 मार्च को हमारे हैं, सो आई होप कि आप सबको पसंद आएगा. That's all.
Thank you, beautiful ladies. रूहानियत नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि ये कहानी प्यार की है, रूह से जुड़ी हुई है. यूजुअली प्यार जो होता है जब वो सक्सेसफुल होता है या जब वो दिल तक पहुंचता है, वो कहते हैं कि रूह से निकलता है तभी वो सक्सेसफुल होता है. ये उसी की कहानी है. पहले वाला भी था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्यार अधूरा रह जाता है, लेकिन रूह तो रूह ही रहती है और प्यार वहीं से निकलता है. सो समीर, कहानी है, इट्स अ मिस्ट्री ड्रामा रोमांस, बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है. जैसे इन दोनों ने कहा अभी कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टोरी पैरेलल गोइंग इन द शो. और दिस मैं कहूँगा कि ये स्टोरी इज अबाउट जर्नी ऑफ ईच कैरेक्टर लिविंग देयर ओन लाइफ एंड व्हाट हैपेंस इन देयर लाइफ इन द जर्नी ऑफ लव. सबीर का किरदार इज अ बिजनेसमैन, सेटल्ड, वेरी इमोशनल एज अ पर्सन. प्यार में एक वक्त था जब उसको लगता था कि इट इज़ दी अल्टीमेट थिंग. वो बहुत प्यार में विश्वास रखता था और कर भी रहा था, बट समथिंग हैपेंस इन हिज लाइफ और वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और दोबारा उसके लाइफ में मौका आता है कि वापस वो रूहानियत करे. लेकिन जैसे जैसे वो अपनी रूहानियत की तरफ बढ़ता है, उसे लगता है कि फॉर एवर इज अलाइव, ये सच नहीं है और ये कभी फॉर एवर नहीं हो सकता. वो ऐसा क्यों होता है ये आपको 23 मार्च को ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि एमएक्स प्लेयर पर जब ये स्ट्रीम होने लग जाएगा तो वी वुड वांट कि सब लोग आए और हमारी ये जो कहानी है रूहानियत वो ज़रूर देखें. एक साल से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत की है सब ने. आई थिंक हर किरदार वेट कर रहा है कि कब ये आए और लोग इसे देखें. सो वी रियली रियली एक्साइटेड फॉर द शो एंड आई एम अगेन लाइक थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी टू द एमएक्स फैमिली. आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड आई होप दैट जितना प्यार एमएक्स के बाकी शोज को मिला है, हमारे इंडिविजुअल शोज को मिला है, उतना ही प्यार रूहानियत को आप सब जरूर दें. थैंक यू. पोडियम मंगा लो सबसे बेस्ट. जितना मेरा नॉलेज है कि फर्स्ट टाइम एमएक्स सीरीज रूहानियत हमें देखने को मिलने वाला है, सो आपको पता है कि कितने एक्साइटेड एमएक्स सीरीज रूहानियत को देखो. सुपर सुपर एक्साइटेड है. ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम एज इन लाइक सीजन वन ऑफ रूहानियत इज कमिंग अप एंड एक्साइटेड तो हमारा होना बनता ही है. हम पूरे एक साल से सारी टीम मेहनत कर रहे हैं, सो वी आर डेस्परेटली वेटिंग एंड उम्मीद कर रहे हैं कि ऑफकोर्स सबको पसंद आएगी. बाकी एक्साइटमेंट आप भी बताएं. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज मतलब यू नो टेलीविजन काफ़ी टाइम से किया है, काफ़ी किरदार किए हैं, बट ये किरदार बहुत अलग है. इसमें बहुत लेयर्स हैं जो मैंने खुद नहीं सोचा था कि यू नो टू गेट सच अ रोल यू नो ऑफर्ड एंड देन यू चूज इट. और फिर आपको जैसे जैसे आप यू नो उसे प्ले भी कर रहे होते हो किरदार को, तब कई सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होती है कि इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, इसमें ये लेयर भी डाल सकते हैं, क्योंकि इतने कैरेक्टर में डेप्थ है सबीर के. अंकुश सर जो हैं हर हस्बैंड, ही इज़ द डायरेक्टर, उनका नाम भी है यहाँ पर. और आई थिंक उनके हेल्प के साथ विद ग्लेन एंड अंकुश बोथ ऑफ देम हम लोगों ने इसे बहुत दिल से बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया और पैशनेटली बनाया. सबसे ज़्यादा मुझे लगता है रूहानियत में
टाइटल में तो है ही पैशन, लेकिन उसे बनाते वक्त भी सब लोग बहुत पैशनेट थे. जब कोई सीन आता था तो सब बैठते थे साथ में डिस्कस करना कि इसे कैसे करना है. ये नहीं कि यू नो टाइम की कमी है या कुछ, एवरीथिंग वाज यू नो गिविंग टाइम. एंड जैसे एक होता है ना, पेड़ पौधे को आप अच्छे से पानी देते हो, खाद डालते हो, तब वो एकदम ब्यूटीफुल बन जाता है, वैसे ही रूहानियत की कहानी है. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और MX Player पर फ्री आएगा, यू कैन वॉच इट MX Player फ्री. और जिनके पास MX Player नहीं है, यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री. सो दैट्स एन एडेड एडवांटेज टू वॉच रूहानियत. और यस, किसी भी एक्टर के लिए या किसी भी टीम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होता है वो, जब उसकी जो कहानी है वो बाहर आएगी, जब लोग उसे देखेंगे. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें और रेकमेंड करें दूसरे लोगों की अच्छी कहानी है और हमें देखनी चाहिए. ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा डिफरेंट है कि इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट, 52 एपिसोड आने वाले हैं. वो ऑलरेडी हैरान है. 52 मतलब सीजन्स हैं बेसिकली, फोर सीजन्स हैं, फोर पार्ट्स में. तो वैसे सीजन्स ही हैं ये. आप लोगों को बहुत मौका मिलेगा किरदारों से जुड़ने का, क्योंकि इतने एपिसोड्स हैं तो आपको जर्नी अच्छे से. ये सबकी कहानी है तो वो दो चार एपिसोड में आई नहीं है, सबको 52 दिखाने पड़ रहे हैं. फेस आई थिंक हमारी इंडस्ट्री के लिए भी एक डिफरेंट, फर्स्ट टाइम ये फॉर्मेट आ रहा है. सो ऑफ कोर्स वी रियली एक्साइटेड एंड लाइक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. ओके, रूहानियत जो नाम है उसके आगे जो ये टैग है फॉरएवर इज अ लाइफ, तो रियल लाइफ में कितना आप लोगों को लगता है कि प्यार वाकई? ये भारी पड़ गया था मुझे कुछ दिन पहले. फॉरएवर इज अ लाइफ टैग सबको दिया था डालने के लिए, मैंने डाला तो मुझे सारे दोस्तों के फोन आ गए. और एवरीबॉडी सब लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि क्या हुआ तुम्हारी और नेहा के बीच में, सब कुछ ठीक है? एंड माय फैमिली मेंबर्स स्टार्टेड कॉलिंग मी, बिकॉज़ वो ऐसे ही था, जस्ट वन फॉरएवर इज अ लाइफ और हार्ट ब्रेक. So then I had to explain to everybody कि नहीं ये शो है, ये शो है. और यू नो उसकी प्रमोशन अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, बिकॉज शो रिलीज होने वाला है. लग अच्छा अच्छा थैंक गॉड. बट फॉर एवर इज़ अ लाई, सबीर को लगता है कि फॉर एवर इज़ अ लाई, बिकॉज उसके लाइफ में उसे पहले लगता था कि फॉर एवर इज़ नॉट अ लाई. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, कुछ किस्से ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से ही स्टार्ट बिलीविंग कि फॉर एवर इज़ अ लाई. और इट इज़ कैरी फॉर एनी बडी, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है, जिसको ये लगता है कि फॉर एवर इज़ अ, बिकॉज एक्चुअली अर्जुन को पूछो तो मुझे लगता है कि फॉर एवर इज़ नॉट, फॉर एवर इज़ ट्रू. आई थिंक द फॉर्म्स कीप चेंजिंग ऑफ एनी थिंग रिलेशन और एनी. एक्चुअली रिलेशनशिप्स इज अ वेरी ट्रिकी प्लेस टू बी. कोई भी रिलेशनशिप ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, कोई भी रिलेशनशिप में बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो अब वो फॉर एवर इज़ अ लाई इज समथिंग विच आई थिंक इंडिविजुअली सबके लिए अलग अलग होगा, बट हम तीनों जो यहाँ खड़े हैं फॉर्म्स और सिचुएशंस विच चेंजिंग. यही आप सब कॉलेज के बच्चों से जाके पूछेंगे तो जरूर बोल देंगे फॉर एवर इज नॉट अ लाई. अरे कुछ लोग कॉलेज में इतने धोखे खा चुके होते हैं. But this tag is basically for Savir. He feels that forever is a lie, and Prisha believes that forever is not a lie. And Priya believes that forever is true. ये हमें साबित करना है. हम बनाकर रहेंगे उसे true. ये सोचने forever सोचना क्यों है? Forever चल रहा है. चल रहा है. Let it be. Let it be. आज ही हम बात कर रहे थे कि हम वापस से आउटडोर्स कब जा रहे हैं. हमने इतनी जगह शूट किया है ना, बहुत जगह शूट हुई है. वेरी ब्यूटीफुल लोकेशंस पुणे में, महाबलेश्वर, मतलब अनएक्सप्लोर्ड पुणे. इवन महाबलेश्वर वाज अ गुड एक्सपीरियंस. लोनावला, महाबलेश्वर, बेसिकली लॉट ऑफ आउटडोर्स ब्यूटिफुल लोकेशन जो पहले हमने शायद कहीं ऐसे दूर से बस देखे थे, बट नेवर शॉट देयर. एंड देन व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वाज शूटिंग देयर. और बहुत यूनिट हमारी कमाल की थी. लाइक आई सेड द डायरेक्टर्स, द कैप्टन ऑफ आवर शिप्स, द कैप्टन्स ऑफ आवर शिप वो
very sweet and nice and they're just good, such good human beings. हम लोग देव आनंद से बोलते हैं कि वो इतने accepting है ना हर चीज़ को लेके हम कुछ अपना. हाँ और जब आपके directors इतने कमाल के होते हैं तो आपकी journey easy हो जाती है और किरदार को सही तरीके से perform करना आपके लिए आसान हो जाता है. So I think credit goes to Glenn and Ankush sir. वो हमें free भी छोड़ते थे लेकिन ऊपर एक डंडा भी लेकर. बिल्कुल हम explore की तरह. फॉर मी इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग फॉर एन ओ टी टी प्लेटफॉर्म एंड वो भी एम एक्स के लिए. सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज एम एक्स की रीच सबसे ज़्यादा है मुझे वो पता चला है. एंड यस इट्स द सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप आफ्टर यूट्यूब. यूट्यूब के बाद तो इट्स गॉना रीच टू सो मेनी पीपल. तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. आई एम वेटिंग टू सी द ऑडियंस रिस्पॉन्स ऑल्सो बिकॉज टी वी पर तो इतना प्यार मिला है, इतने लोगों ने एक्सेप्ट किया है, इतना अप्रिशिएट किया. तो अब ओ टी टी पर कैसा रिस्पॉन्स मुझे मिलने वाला है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी. आप कहाँ पर जहाँ आप स्माइल करते रहो, आप जहाँ पर भी जाओगे लोग आपको प्यार से एक्सेप्ट ही करेंगे. थैंक यू बट आई एम रियली वेटिंग. या आई थिंक ओटीटी हैज गिवन अ लॉट ऑफ एक्टर्स यू नो टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स क्रिएटिवली. बिकॉज टीवी पे एसएनपी इश्यूज होते हैं, कई सारे मतलब चीज़ें आप जो एक किरदार कर सकता है नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी हैव इन प्लेस विच इज़ फेयर इनफ. ओटीटी पे यू नो स्क्रिप्ट आपके पास पहले से आई होती है, यू कैन प्रिपेयर फॉर योर कैरेक्टर. आप यू नो जो यूजुअली इतने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो नहीं होते. सो सीन्स भी वैसे लिखे जाते हैं जहाँ पर यू नो एक किरदार को जस्टिफाई करने के लिए या एक सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या यू नो डिफरेंट सीन्स हमें करने मिलते हैं जो हम यूजुअली टीवी पे नहीं कर पाते. ऑल्सो बिकॉज वी हैव अ बाउंड, वी नो वेयर द स्टोरी इज एंडिंग. कहानी का अंत हमें पता है तो हम अपने किरदार को और निखार सकते हैं. टीवी पे हमें अंत पता नहीं होता तो फिर हम लोग वी जस्ट गो विद द फ्लो, बट हियर वी कैन एक्चुअली वर्क एंड मेक इट बेटर. So yeah, these are the pros of working on OTT. Of course, इस show में आपको मैं ये भी बता दूँ, there's nothing unnecessary. Yeah. फालतू की you know कभी कभी हमें देख के ये भी लगता है कुछ shows में कि या ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा foul language use हो रहा है या there's too much sex shown. And ये ऐसी कहानी ही नहीं है. So people can watch it and enjoy it. और unnecessarily आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि कुछ डाला है. अर्जुन और कनिका और स्मिता मैम, आप रोहानियत तो लोग देखेंगे लेकिन आप लोगों की क्या देख रहे हो, मतलब यू हाल फिलहाल अभी आप सब को मतलब हमारे मतलब आप लोग ओटीटी पे क्या देख रहे हैं, कोई फिल्म क्या देख रहे हैं? यार वी कीप वॉचिंग शोज यार, जो जो आते रहते हैं. कल मैंने एक मूवी देखी, आई सॉ दिस मूवी कॉल एडम्स प्रोजेक्ट. और आई मैंने और एक और इट्स अबाउट अ डॉग रूबी, व्हाट्स द नेम ऑफ द शो, कल लास्ट नाइट ओनली आई सॉ इट. सो देयर सो मच कंटेंट दैट कम्स ऑन यू नो सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यू हैव अ वैरायटी ऑफ चॉइस. मैंने मेरे दोस्त का एक शो आया था एमएक्स प्लेयर पर ही, मस्त कांड, वो भी इट डिड वेरी वेल ऑन मत्स्य कांड या मत्स्य कांड. और वो दोस्त का है ना इसलिए मस्त निकल गया. मस्त कांड, मस्त्य कांड. एंड आई थिंक रवि के यू नो इतने सारे लुक्स थे उसमें एंड अच्छा था वो. सो आई नाउ रुहानियत इज कमिंग एंड देर सो मेनी डिफरेंट अदर शोज ऑल्सो कमिंग ऑन एम एक्स प्लेयर. आई थिंक एज अ प्लेटफॉर्म ऑल्सो देयर रीच इज़ वंडरफुल. और एक एक्टर को और क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका शो देखें. एंड देर इज होपिंग फॉर द बेस्ट. कैसे तुम देख क्या रही हो आजकल? मैंने अभी फेम गेम कंप्लीट किया. हाउ आर यू? नाइस, ब्यूटीफुल. माधुरी दीक्षित जी हैज डन सच अ वंडरफुल जॉब एंड स्टोरी इज सो नाइस. जस्ट कंप्लीट. ऑलराइट. एंड अर्जुन जी, नहीं अभी तक नहीं देखा है, बट इट इज एक ऐसी कहानी है जो सबको देखनी चाहिए. इट इज़ अ फैक्ट अबाउट समथिंग दैट इज़ हैपन्ड इन आर कंट्री. और मैं न्यूज़ बहुत देखता हूँ तो मैंने बहुत डिबेट्स देखे हैं. हमने भी देखे हैं आपके साथ. हाँ
सो मैंने बहुत डिबेट्स देखे हैं यू नो कश्मीरी पंडित्स को लेकर और कश्मीर को लेकर. देयर सो मेनी डिबेट्स दैट हैपन ऑल द टाइम. सो आई हैव ऑलवेज वेरी इंट्रीग टू नो कि क्यों ऐसे हुआ. व्हाई आर दीज टू कॉन्फ्लिक्टिंग यू नो विजन्स दैट टू डिफरेंट पीपल सेट ऑफ पीपल हैव. एंड आई थिंक आई वॉन्ट टू गो वॉच दिस फिल्म कश्मीर फाइल्स बिकॉज एक तो परफॉर्मेंसेज बहुत अमेजिंग होंगे. इट इज़ बीन टॉक्ड अबाउट एवरीवेयर एंड इट इज़ समथिंग दैट इज हैपन इन आर कंट्री. सो एवरीबडी शुड नो व्हाट हैपन्ड. ऑडियंस को यही कहेंगे कि प्लीज़ देखिए रूहानियत ऑन एमएक्स प्लेयर फॉर फ्री. 23 मिडनाइट से ही ये स्ट्रीम होना. 22nd मिडनाइट में 23 जैसे ही 23 होगा शुरू हो जाएगा. आप उसे स्ट्रीम कर सकते हैं, देख सकते हैं. एंड अच्छी कहानी है, डिफरेंट है थोड़ी. लाइक आई सेड देयर इज लव मिस्ट्री एंड ड्रामा ऑल ऑफ इट. एंड प्लीज लेट अस नो हाउ यू लाइक इट. थैंक यू सो मच.